This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने हफ्ते के रोज मरकजी हुकूमत से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए एक नेशनल लॉकडाउन का ऐलान करने को कहा। IMA ने एक बयान में कहा, हम COVID-19 वबाई अमराज की तबाहकुन दूसरी लहर से पैदा होने वाले अजियतनाक बहरान से टिमटिमाने के लिए वजारत सेहत की इंतहाई नामुनासिब इकदाम को देखकर हैरान हैं। मुल्क भर से डॉक्टरों की सबसे बड़ी जमात ने मजीद बताया कि पिछले 20 दिनों में कुछ रियासतों की जानिब से बढ़ते कोविड केसेस के पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय 10 से 15 दिन तक का ही मुकम्मल लॉकडाउन किया है, जो नामुनासिब नतायज का हामी है। शहर हैदराबाद के सारे मुस्लिम तंजीमों ने हैदराबाद की आवाम से अदबन गुजारिश की है कि COVID-19 की वबा के फैलाव के पेश नज़र अपने अपने परिवार और दूसरों की कोविड से हिफाजत के लिए घर में ही नमाज अदा करें, ख़ास तौर पर ईद की नमाज। GHMC की मदद से हैदराबाद सिटी पुलिस ने किंग कोटी हॉस्पिटल में आवाम की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क 9490616536 का क़याम अमल में लाया। बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड्स, ICU बेड्स की हॉस्पिटल में दस्तियाबी के बारे में जानने के लिए ये डेस्क ज़ायरीन की मदद करेगा। ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट्स की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज और एडमिशन लिस्ट को भी मालूम रखेगा। करोना वायरस के इंतहाई मतादी तनाव B.1.617 और B.1 फिलहाल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कोविड मुस्बत मामलात में पाए जाते हैं और बड़ों के अलावा कम उम्र अफराद के ग्रुपों में भी तेज़ी से फैल रहा है। महकमा सेहत ने सेंटर फॉर सेक्युलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मरकज़ की एक स्टडी के हवाले से कहा कि N440 के ना तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और ना ही वायरुलेंट है। जनूबी हिंदुस्तान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के नमूनों से अप्रैल के महीने के आदाद शुमार के निशानदही करने वाले अहम तनाव B.1.617 और B.1 हैं, जो इंतहाई मतादी और छोटी उम्र के ग्रुपों में बड़ों से फैल रहा है। डायरेक्टर महकमा सेहत हुकूमत तेलंगाना के खसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक रियासत तेलंगाना में COVID-19 के 5,186 नए केसेस दर्ज होने और 38 मुतासरीन की मौत होने की इत्तला दी। GHMC में कोविड के 904 और इजला में 4,282 नए मामलात रिकॉर्ड हुए। जुम्मा के रोज़ PVNR एक्सप्रेस वे पर एक हादसे में 73 साल मोहम्मद खलील, जो दिल के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में एक हादसे के सबब उनकी मौत हो गई। खलील और उनके परिवार के अफराद एक SUV में सफ़र कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शास्त्रीपुरम के रहने वाले खलील दिल के बीमारी में मुबतला थे। जुम्मा के रोज़ दोपहर उनकी सेहत बिगड़ने लगी और इसकी इत्तला मोहम्मद खलील ने अपने बेटों को दी। मोहम्मद खलील को उनके अहले खाना ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मोहम्मद खलील के दोनों बेटे, बेटी और दामाद उनके हमरा थे। तेलंगाना के वज़ीरे दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए रियासत के तमाम मुसलमानों से गुजारिश की है कि करोना वबा के ख़तरे के पेश नज़र ईदुलफ़ितर की नमाज अपने घरों के पास वाक़ मसाजिद में अदा करें, क्योंकि करोना वबा से पैदा हुए मौजूदा हालात को देखते हुए इस मरतबा ईदगाहों में नमाज ईद का अहतमाम नहीं किया जा रहा है। सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एक्स लक्ष्मण और उनकी अहलिया झांसी की शहर के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुर मेट में हादसे के सबब मौत हो गई। ये हादसा रात को पेश आया। इंस्पेक्टर एक्स लक्ष्मण की अहलिया झांसी हादसे के वक्त गाड़ी ड्राइव कर रही थी और सड़क पर पार्क की हुई लॉरी को टक्कर दे दी, जिसमें दोनों एक्स लक्ष्मण और झांसी की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि कार के बैक सीट पर उनका मासूम बेटा मौजूद था, जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण अनाराम नलगुंडा के रहने वाले हैं। वो अपनी बड़ी बेटी को घर में छोड़कर सिटी वापस लौटने के दौरान ये हादसा पेश आया।
इंस्पेक्टर एस लक्ष्मण ने 2007 में कांस्टेबल के तौर पर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। बाज़ना अपनी मेहनत से वो एसआई एग्ज़ाम में पास हुए थे और इंस्पेक्टर प्रमोशन आने के बाद सुल्तान पुलिस स्टेशन में उनकी ये फर्स्ट पोस्टिंग थी। मूड ब्रेक मूड ब्रेक